तो शिव जी के त्रिशूल में क्या खास है, आइए जानते हैं। शिव के त्रिशूल को लेकर एक पौराणिक कथा है। शिव पुराण में बताया गया है कि पूरी सृष्टि की शुरुआत के समय भगवान शिव ब्रह्मनाथ से प्रकट हुए थे। उनके साथ तीन गुण, रज, तम और सद्गुण भी प्रकट हुए। इन तीनों गुणों को मिलाकर शिव शूल बने, जिससे त्रिशूल बना। जबकि विष्णु पुराण में बताया गया है कि विश्वकर्मा ने सूर्य के एक हिस्से से इस त्रिशूल को बनाया था और शिव जी को समर्पित किया था। त्रिशूल को तीन काल से जोड़कर देखा जाता है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। इनका ये प्रतीक माना जाता है। इस वजह से ही तो शिव को त्रिकालदर्शी भी कहते हैं। उनको भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी जानकारियां ज्ञात हैं। रज, तम और सद्गुण में संतुलन के बिना सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता। सृष्टि में संतुलन स्थापना के लिए भगवान शिव त्रिशूल को अपने हाथों में धारण करते हैं। इन तीनों गुणों के संतुलन के लिए महादेव ध्यान में मग्न रहते हैं। इसलिए यह भी कहा जाता है कि इन तीन गुणों का समावेश त्रिशूल में है। वीडियो दोस्तों, क्या आपको पता है महादेव का त्रिशूल उनको कैसे मिला? चलिए जानते हैं। दोस्तों, महादेव का त्रिशूल प्रकृति के तीन प्रारूप, आविष्कार, रखरखाव और तबाही को दर्शाता है। तीनों काल, भूत, वर्तमान, भविष्य भी इसी त्रिशूल के अंदर समाते हैं। अब जानते हैं त्रिशूल की उत्पत्ति कहां से हुई। विष्णु पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है कि जब विश्वकर्मा जी की पुत्री बहिष्मती का विवाह भगवान सूर्य नारायण से होता है, तो बहिष्मती के लिए भगवान ने सूर्य नारायण की गर्मी और उनका तेज सहना बड़ा कठिन हो रहा था, तो उन्होंने अपनी 80% से भी ज्यादा ऊर्जा एक यंत्र में डाल दी। उसके बाद उसी ऊर्जा से भगवान विश्वकर्मा ने एक त्रिशूल बनाया। भगवान सूर्य नारायण की ऊर्जा से बना हुआ यह त्रिशूल पूरी सृष्टि में केवल महादेव और माता पार्वती ही धारण कर सकते हैं।